इसमें पानी पीते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी को रिकवर करते हैं। आजकल जो जितने भी इंटरनेशनल डॉक्टर हैं या न्यूरो सर्जन हैं वो कॉपर को ही आजकल रिकमेंड कर रहे हैं। असल में बेसिक इसका जो असल फायदा है, ये किल द जर्म्स ऑफ द कैंसर। अच्छा, ये हमारे पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से जब पट्ठे मजबूत हो बंदा मजबूत, हमारे नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं ना उसको, उनको ये किल करता है। ये है मुद और ये है सा। ठीक है, ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना वो उस वक्त ये बर्तन इसी तरह इस टाइप के बर्तन इस्तेमाल करते तांबे के, और आजकल हमने इसकी कॉपी की है। तो हमने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इन दो बर्तनों की शेप भी वैसे बनाई है, बिल्कुल एक्यूरेसी उसको लेके आए जिस तरह वो बर्तन थे, बिल्कुल अंदर से हमने इसको कली किया है और इसको भाई से पॉलिश किया है। ये वाला यूज वाला बर्तन है, कुछ लोग कली वाले इस्तेमाल करते हैं, कुछ बगैर कली के इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। हम लोगों को ये बहुत माशाल्लाह बहुत बिक रहा है ये बर्तन, ये वाला एक। इसमें असल फायदा ये है कि इसमें जो अगर गलत चीज़ भी कोई होगी ना तो उसके जरासीम जो सेहत के लिए खतरनाक है वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये असल में नेचुरली कॉपर है। अच्छा। मगर अंदर को अंदर से इसको मैंने टिन का एक जायका दिया है ताकि लोगों में ये कॉपर ज्यादा ना जाए बॉडी में। ठीक है, प्योर कॉपर जो होता है वो 9.99 होता है, उसकी पहचान ये होती है कि वो सुर्ख होता है। ठीक है, ब्राउन जो जितना ज्यादा ब्राउन होगा वो प्योर कॉपर है। ठीक है, इसको वैसे अगर आग पे रखे खाना पकाने के उसको कुछ नहीं होता। ये पर्शियन जग है। ठीक है, इसको हम ये तकरीबन को 150-200 साल पुराना है, फॉरनर की एक पिक्स थी, उसकी मैंने ये कॉपी की है। ये तांबे की कढ़ाई बनाई है मैंने। ठीक है, तांबे में खाना पकने से टेस्ट का बहुत ही लज्जत भी आती है। ये थी मुगलों की सकाफत। अच्छा। पर पर्शियन लिखी हुई है जो मुगल लैंग्वेज यूज करते थे, जिसका जो साइज है मेरे ख्याल में इस तरह का अफ्तावा पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास ही है। अच्छा, जितने भी हमारे अच्छे 5-स्टार या 4-स्टार रेस्टोरेंट है पाकिस्तान में वो तांबे में ही पका रहे, क्योंकि नेचर के नॉट बी चेंज बट वी चेंज। यस, बिल्कुल ऐसे फितरत के करीब रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। ऐसा अस्सलाम वालेकुम जी, और पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एहसान मीर आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला शहर में। नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाऊंगा कॉपर से बनी चीज़ें जो तकरीबन आज से 1500 साल पुरानी ये चीज़ें हैं। जितनी भी ये चीज़ें देख रहे हैं ये एंटीक चीज़ें हैं, और इसको पुराने वक्तों में नाज़रीन लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जितने भी हमारे पुराने लोग थे, क्योंकि इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं हम लोग जानेंगे यहाँ के ऑनर से, और इनकी क्या प्राइस है, तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। क्योंकि मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला शहर में, मुझे नाज़रीन बहुत ज़्यादा फरमाइश की जा रही थी, लेकिन मुझे कोई अच्छा सेटअप नहीं नज़र आ रहा था, मुझे कोई अच्छा वेयर हाउस नहीं नज़र आ रहा जहाँ से मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ, तो मुझे नज़र आया यहाँ से। तो मैं यहाँ के ऑनर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे टाइम दिया। स्पेशली हम लोग अभी यहाँ के ऑनर के पास चलते हैं और ये तमाम चीज़ें देखते हैं, मेरे साथ रहिए। तो जी जनाब, जैसे आपको इंट्रो करवा चुके हैं, मेरे साथ यहाँ के ऑनर मौजूद है इमरान भाई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वस्सलाम सर, क्या है? कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आप किस किस में डील करते हैं, आपके पास क्या क्या होता है, मैं चाह रहा हूँ मेरे देखने वालों को बता दीजिए। सर, मेरा जो मोस्टली काम है वो कॉपर और ब्रास का ही है। ठीक है, और शुरू से ही मैं इसी फील्ड में हूँ, और मैंने तकरीबन 21 ईयर से इसी काम के साथ मैं बिलोंग कर रहा हूँ। अच्छा, और इसी काम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लोगों को, मैं शौर दे रहा हूँ कि कैसे कॉपर के फ़ायदे हैं जो आजकल लोग यूज़ नहीं कर रहे, और जो लोग यूज़ कर रहे उसका फ़र्क क्या है, कि हम लोगों ने कॉपर को कैसे ही ज़ाया किया। आज से पहले तकरीबन 20-30 साल पहले लोगों को इस चीज़ का इदराक नहीं था, वो लोग रेगुलर यूज़ करते थे तांबा, उनको ये बीमारियाँ माइनर जो बीमारियाँ थी वो नहीं लगती थी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता था। जैसे ही लोगों ने तांबा छोड़ा, लोग आए एल्युमिनियम में, लोग आए मेलामाइन में, लोगों ने ये चीज़ें यूज़ की, और उनको ये छोटी छोटी माइनर बीमारियाँ ज़्यादा लगना शुरू होगी, जिसकी वजह से लोगों की एज लिमिट कम होना शुरू हो गई है। तो इसलिए मैंने फिर शुरू से ही मेरा एक नेचुरली मेरा अंदाज था, मैं सोचता था कि यार कोई ऐसा काम करे जिसमें लोगों को फायदा हो, वो साथ उसमें मुझे कुछ मुनाफा भी हो, साथ ये काम मैं करूं। आप कब से कर रहे हैं? आपने सर यही फील्ड क्यों चूज किया, किसी और में क्यों नहीं किया? असल में तो बहुत डिफरेंट चीजें बन रही हैं। हाँ, इनफैक्ट मैं जब स्टूडेंट था ग्रेजुएशन का, अच्छा, उस टाइम में बाई चांस इस फील्ड में इंटर हुआ। ठीक है, तो जब मैंने इस फील्ड को जब मैंने देखा वहाँ पे, मैं दिन को मैं स्टडी करता था, दिन को मैं काम करता था और रात को मैं स्टडी करता था। अच्छा, जब मैं तकरीबन 6-7 माह इस फील्ड में रहा तो मुझे पता लगा कि ये क्या काम करता हूँ मैं। उसके बाद फिर मैंने एक एम बना लिया कि मैंने इसी काम को आगे लेके जाना है, और स्पेशली ये जो गुजरांवाला सिटी है इसमें लोगों को तांबा बहुत है, मगर तांबे के मुतल्लिक लोगों को शौर नहीं था कि तांबा क्या चीज़ है। ये आपने दिया?
ये मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को ट्रांसफर करने की। कितने साल से आप ये कर रहे हैं? मैं 21 ईयर से काम कर रहा हूँ। साल से ये आप कर रहे हैं ये काम? अच्छा, आपके पास कितने किस्म के यहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं और क्या क्या एंटीक पड़ा है देखने को बताइए। मेरे पास तकरीबन कोई हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स है, कॉपर एंड ब्रास है और चांदी भी कुछ मेरे पास बर्तन है। ठीक है, और उसमें मैं तकरीबन 1500 साल तक मैं पीछे जाता हूँ। अच्छा, नवादरात भी मैं थोड़ा सा समझता हूँ, उनको भी डील कर लेता हूँ, साथ में हैंडीक्राफ्ट में भी आता हूँ। साथ लाइक जिस तरह कॉपर के पॉट्स हैं, ये डिशेज हैं, हम लोग देखते हैं ये डिशेज हैं। अच्छा, ये वाली एक स्पेशल डिश है। ठीक है, इसको हमने एक खास अंदाज से बनाया, इसको अच्छा। हमने यूज करने के लिए ही बनाया। ठीक है, ये असल में नेचुरली कॉपर है। अच्छा, मगर अंदर से इसको मैं टिन का एक जायका दिया ताकि लोगों में ये कॉपर ज्यादा ना जाए बॉडी में। ठीक है, नॉमिनल रहे, क्योंकि तांबा जो होता है बेसिकली इसकी जो लफ्जी मायने होता है ना, वो हमारे जो पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा पता नहीं है इसका लफ्जी मायने क्या है। बेसिकली ये वर्ड है लातिनी जुबान का, इसको कहते हैं कॉपर। इसका जो लफ्जी मायने है उसको कहते हैं नीला तोता। ठीक है, पाइजन, इसको हम पाइजन कहते हैं। इसको हम कंट्रोल करने के लिए इसमें पावर बहुत होती है, हम इसको कली करवाते हैं। ठीक है, तांबा गर्म और खुश्क होता है और कली जो होती है ठंडी और तार होती है। इसको हम यूजेबल करने के लिए और इसका फायदा लेने के लिए, लोगों को फायदा देने के लिए हम इसको कली करवाते हैं। ठीक है, गुड। अच्छा, इसके अलावा और सर क्या क्या बना रहे हैं? इसके अलावा मैं ये ग्लासेस तैयार कर रहा हूँ कॉपर के, और एक गिलास मैंने कली वाला तैयार करवाया। ठीक है, जिसको लोग नॉर्मल लोग यूज करते हैं। ठीक है, और एक गिलास ये है जो पेशेंट वगैरह को देते हैं हम लोग, जिसके जरिए लोग इसमें पानी पीते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और ये बॉडी को करते हैं, बॉडी को रिकवर करते हैं। अच्छा, मुझे इमरान साहब ये बताइए कि डॉक्टर रिकमेंडेशन इसके बारे में करते हैं? बहुत ज्यादा आजकल जो जितने भी इंटरनेशनल डॉक्टर हैं या न्यूरो सर्जन हैं या जो थोड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं, वो कॉपर को ही आजकल रिकमेंड कर रहे हैं। असल में बेसिक इसका जो असल फायदा है, ये किल द जर्म्स ऑफ द कैंसर। अच्छा, ये इसकी ये बहुत फ़ायदा है, ये जो बॉडी में जितने भी हमारे नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको ये किल करता है। क्या बात है, उसलिए हाँ, इसी के लिए इसका एक और फ़ायदा भी, लोग अल्कलाइन वाटर तैयार कर रहे हैं, इसमें इसको गड्ढे में रख के इसमें इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं, मतलब खीरा हो गया, लीमू हो गया, हरी मिर्च होगी, अदरक वगैरह, वो करके इसका एक बहुत अच्छा पानी बन रहा है। ठीक है, और वो पेशेंट्स को दिया जा रहा है, और पेशेंट यकीन करे, मेरे पास जो मैं खुद जो मैं देखे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जिनको मैंने ये दिए चीज़ें, वो माशाल्लाह काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कितनी बीमारियों का अगर कहें कि इलाज है अगर मैं? सर, इसका सबसे बेस्ट मैं असल चीज़ है, ये तमाम बीमारियों के लिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो बंदा जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो बंदा ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह इसी को लेकर हम आगे जा रहे हैं लोगों को ये। मगर एक और बात है, इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको डेढ़ मंथ इस्तेमाल करेंगे, ये आपको बॉडी में पूरा कर देगा कॉपर। जब देखे कॉपर हमारी बॉडी में पूरा आ गया, तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। ये हमारे पट्ठों को स्ट्रांग करता है, जिसकी वजह से जब पट्ठे मजबूत तो बंदा मजबूत। इसी तरह ये चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा और इमरान साहब, इसके अलावा ये गिलास है, ये जग बनाए हुए मैंने साथ। अच्छा जी, ये साथ मैंने जग बनाया हुआ है, जग भी हम लोग इकट्ठा देखें। ये जग में पानी वाला, इस पे अंदर मैंने कली करवा के रखा हुआ है, ये जग है जी इसके साथ। हाँ, अगर वेट की बात करूं, कितना वेट होता है सर एक का? इसके बाद तकरीबन 800 ग्राम 900 ग्राम वेट है इसका, तकरीबन 300 ग्राम वेट। लाइफ कितनी देती है इसकी, गारंटी कितनी होती है? सर, ये लाइफ टाइम गारंटी है। ठीक है, पुरानी नवादरात चीजें, ये कश्मीरी समोवार है। ठीक है, ठीक है, इसके ये वैसे ज्यादा पुरानी है समोवार, में काम मैंने नया करवाया ताकि एक डेकोरेशन पीस बन जाए। इस तरह ये एक वो केतली सी है। ठीक है, इसके अलावा जो असल में मैं जो बेसिक जो मैं डील करता हूँ, वो करता हूँ ज्यादा नवादरात को। अच्छा जी, असल में जो बेसिक उनको इस तरह ये देखिए, ये पर्शियन जग है। ठीक है, इसको हम ये तकरीबन को 150-200 साल पुराना है। अच्छा जी, इसको ये अच्छी कंडीशन में है, इसको हम इनको फिर हम लोगों को दिखाते हैं, ये व्हाट इज दिस, लोग फिर समझते हैं कि यार ये हमारा हेरिटेज है। हाँ, फिर वो हमारे इस्लामिक कल्चर को कलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये प्याले होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास वो मग्गे हैं पानी वाले। अच्छा जी, ये हमारे पास ये सब चीज़ें इसी फील्ड में आती है सारी चीज़ें। ठीक है, बस ये चीज़ें असल में लोगों के जो यूजेबल बर्तन हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये मग है, ये वाला इंग्लैंड का बना हुआ है, ये वाला इंग्लैंड का ये इंडियन टोकरीज हैं, ये सारी ये पान दान है सारे। ठीक है,
इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूँ, ये घोड़े कौन से हैं? ये घोड़े मामा के हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये घोड़े जो है ना, ये असल में ये पोलो वाले घोड़े होते हैं, ये वाले। ठीक है, ये जो हमारे आर्मी के ऑफिसर है ना, वो इनको घरों में रखते हैं। अच्छा, ये मुझे सर जी बताइए, ये बड़े काम की चीज़ है, मैं चाह रहा हूँ आपसे ही पूछूं। ये इसको हमारी जुबान में कहते हैं हमाम दस्ता। अच्छा जी, इसको लोग हमारे आम लैंग्वेज में चटवटा भी कहते हैं, जो हर घर में होते हैं। ये हकीम हजरात जो है ना, इसमें वो दवाइयाँ वगैरह बनाते थे पहले ज़माने में, और इसका फ़ायदा था। इसमें होता है ज़्यादातर दो चीज़ों का मरकब होता है, ये वाला है। एक इसमें कॉपर होता है, और इसकी साउंड आप मेरा सुन रहे हैं फिर मैं, और दूसरा इसमें होता है टिन। ठीक है, ये दोनों चीज़ों मिक्स करके ये दांत बनाई गई है। ठीक है, इसमें जब कोई चीज़ पिसती है या कूटते हैं तो इंशाल्लाह इसमें भी इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। और ये इसका असल फ़ायदा ये है कि इसमें जो अगर गलत चीज़ भी कोई होगी ना, तो उसके जरासीम जो सेहत के लिए ख़तरनाक है वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसको कहते हैं, इसमें सबसे एक अच्छी दांत और भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या चीज़ पड़ी है जी? ये सर, ये जो ये चांद के ऊपर जो पहला कदम नहीं रखा था, ठीक है, उसकी ये सारी एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ये इसी ये यही बंदा है जिसने वो कदम रखा था, तो उसकी वो हमारे पास एक मिला है, हमने उसको भी ऐसे डिस्प्ले में लगा दिया है, ताकि लोगों को पता लगे कि यार ये चीजें इस तरह की बनी है, मेटल में आई है, ब्रास मेटल में। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जी जी, जो हमारे पास असल में ये चीजें हमारे पास इस्लामिक आर्ट में भी ये है, इसको कहते हैं अरेबिक दिला। दिखाते हैं सर, आप उठा के। सर क्यों नहीं, सर मैं दिखाता हूँ। इसको भी हमने फॉर यूज करने के लिए इसको ना बाहर से हमने पॉलिश किया है, ठीक है, और अंदर से हमने इसको कली किया है। क्या ये हमारा एक सिस्टम है, उसको हम अंदर बाहर से यूजेबल करने के लिए ना एक मेयार देते हैं लोगों को, ताकि कली का फायदा लोग लें। देखिए, ये पुराने जमाने बाल्टी यूज, ये असल में चिनोटी आर्ट है ये वाला। ठीक है, चिनोट में इसको, इसमें वो पानी वगैरह और दूध वगैरह यूज करते थे। सर ये असल में ये बेसिकली ये है पुराने कॉपर के पोर्ट, इसको हमारे जुबान में कहते हैं देगे कहते हैं। ठीक है, हमारे जो पहले नाई हजरात थे ना जी जी, वो इस तांबे की देगों में ही खाना पकाते थे। जब वो तांबे की देगों में खाना पकाते थे तो हमारे इलाके में, मैं अपने कल्चर की बात करता हूँ, खुशी गमी में, यानी कि शादियों में या किसी गमी में, वो नाई तांबे की देगों में खाना पकाते थे, और जो नेचुरली तौर पर हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता था। ठीक है, जिसका हमें फायदा ये होता था कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता था और हम सेहतमंद रहते थे। अब असल में हमारी बॉडी जो है ना, वो भी निकली है मिट्टी से, वो तांबा भी निकलता है मिट्टी से, तो हमारी बॉडी में जब ये तांबा गया ही नहीं तो हम स्ट्रॉन्ग किस तरह होंगे। ऐसे ही नाइयों ने क्या किया, जब तांबा महंगा हुआ उन्होंने ये देगे उठा के फेंक दी स्क्रैप में, तो अब ले आए वो एल्युमिनियम की देगे। एल्युमिनियम जैसे हमारी बॉडी के अंदर गया, उसने हमारे स्टोमेक का किया सत्यानाश, और हमें हम हो गए कमजोर। मगर जो लोग अभी भी बहुत शौर हैं, जो सकते हैं, जिनके लोगों को हम ये अकल दे रहे हैं कि आप भाई तांबे में ही रहो, क्योंकि नेचर के नॉट बी चेंज बट वी चेंज, और नेचर के साथ रहेंगे तो हमें ये फायदा होगा। तांबे की देगू हम अंदर से क्लिक करवा के इसमें ही खाना पकाएं, ताकि लोगों को फायदा भी हो। जितने भी हमारे अच्छे फाइव स्टार या फोर स्टार रेस्टोरेंट हैं पाकिस्तान में, वो तांबे में ही पका रहे हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल आइटम है जो मैंने कॉपी करके बनाई है बाहर की। ठीक है, ये मेरे स्पेशल कारीगर है, उसने ही तैयार किया, इसको हैमर भी किया है, और इसका साइज भी अच्छा है, और घर में दोस्तों की दावत वगैरह करते हैं हम इसी भी पकाते हैं। गुड। अच्छा, रेट की मैं बात करता हूँ, जितने भी आइटम्स है इसके रेट की थोड़ा। सर इसकी में कुछ आइटम्स है जो भाई हम बाय बेटर देते हैं, ठीक है, जो हम तकरीबन 2,000-2,500-3,000 रुपए के जी से स्टार्ट होती है, और तकरीबन 5,000 रुपए के जी तक जाती है चीजें, क्योंकि आज की जो मंडी है ना, रेट कॉपर इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, ऐसा ही तो लोगों को यही पता होना चाहिए कि जो चीज़ महंगी है उसमें कुछ ना कुछ फायदा है, इसलिए महंगी हो रही है। लोग तांबे के ऊपर मोशते लोगों की चल रही है, तो इसके रेट जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाय पीसीज भी होती हैं, तकरीबन 1500 से लेके तकरीबन 4,000-5,000 तक जाती है, जो यूजेबल बर्तन है। ठीक है, और अगर किसी ने कोई स्पेशल चीज़ बनाई उसका स्पेशल रेट होता है, वो तो ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। ऑर्डर पे एनी टाइप ऑफ थिंग विच यू कैन ऑर्डर मी, देन आई कैन मेक फॉर यू। गॉट एवरीथिंग। ठीक है, कॉपर एंड ब्रास एंड चांदी जो भी कहेंगे मैं इंशाल्लाह बना दूंगा। ऑनलाइन जाएगा ये? ऑनलाइन अगर कोई घर में मंगवाना चाह रहा है तो? सर ऑनलाइन भी चला जाएगा इंशाल्लाह। एडवांस पे पैसे होंगे या उसके क्या? ज़ाहिर बात है, अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो उसकी पेमेंट आपको एडवांस करना पड़ेगी, फिर मैं आपको ये चीज़ें ट्रांसफर कर दूंगा इन द होल पाकिस्तान। ये पर्ची लिखी हुई है, इसका जो साइज है मेरे ख्याल में इस तरह का आफ्ताबा पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास ही है। अच्छा, इससे बड़ा आफ्ताबा हैवी तकरीबन इसका 40 kg का वेट है। अच्छा, ये स्पेशल आइटम है मेरी दुकान की, मैंने इसको फॉर सेल ही रखा हुआ, इसको मैं आपसे रोज देखने लिए रखा हुआ है, पहचान के लिए रखा, अभी पहचान के रखा हुआ। ये मेरी स्पेशल आइटम है, 8 feet इसका साइज है। मुझे लग रहा है आपको हॉबी भी है ये चीजें जमा करना। शौक के बगैर तो कोई काम नहीं होता।
मैंने बताया ना आपको, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं तकरीबन 21 साल से इसी फील्ड में मुसलसल काम रहा हूँ और तकरीबन 12 आवर्स में यही काम कर रहा हूँ। ठीक है। और इसमें मैंने जो भी मुझे समझ आती है, जहाँ से मुझे इसका नॉलेज मिलता है, जहाँ से मुझे चीज़ मिलती है, उसके लिए मैं दूर दूर तक जाता हूँ ताकि मैं कलेक्शन करूँ अपनी दुकान को, अपने एक्सप्लेन करूँ लोगों के, अच्छा शोरूम बनाऊँ, लोगों को बताऊँ कि क्या चीज़ें मैं रखता हूँ। ठीक। अच्छा ये मुझे बताइए, ये नहीं आप, ये एक टर्किश डिश की कॉपी की है हमने। ये दिखाइए जी। कैमरा मैन पास आके अंदर से आप दिखाते हैं ना सारी। उसमें उसके ये सारी डिजाइन बना हुआ है, ऊपर इसके फिशेज बनी हुई है। ठीक है। इसमें वो बकरा वगैरह पका के खाते थे पुराने वक्तों में। ठीक है। उसकी हमने कॉपी करके इसको यहाँ पे रखा हुआ है, स्पेशल डिश है ये वाली। ठीक है। अच्छा सर, एंड में कोई एयर पाकिस्तान के देखने वालों को मैसेज देना चाहेंगे, कोई अच्छी बात करना चाहे तो कर सकते हैं? सर माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं ना, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और यही मेरा भी मिशन था कि मैं भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं और लोगों को बताऊं कि व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ द कॉपर। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी बॉडी पे ये क्या असर करते हैं, और लोग जो थे ना, आज के जो लोग थे वो सिल्वर स्पून में आ गए, उन्होंने क्या कहा कि यार ये नॉन स्टिक लेते हैं, हम एल्यूमिनियम लेते हैं, और लोगों को ये पता नहीं चला कि हम नेचर के साथ रहेंगे तो हमें फ़ायदा रहेगा। जो लेटेस्ट रिसर्चेज आ रही है ना, जो तांबे के ऊपर आ रही है, अमेरिकन में, अमेरिका से आई है, इंडिया में भी लोग रिसर्चेज कर रहे हैं, वो लोगों को तांबे की तरफ ही लेके आ रहे हैं कि आप तांबे के बर्तन यूज करें, आपको पता लगे कि तांबे का फायदा क्या है। चले सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। देखने वालों को स्पेशल मुहब्बतें देनी है पे, ठीक है सर, सर मोस्ट वेलकम फॉरएवर, थैंक यू सो मच। ओके सर। तो जी जनाब, जैसे आज का रिव्यू मैं आपको दिखा रहा था गुजरांवाला से मुख्तलिफ चीज़ें कॉपर की, मुझे उम्मीद है कि आज का रिव्यू आपको पसंद आया। अगर पसंद आया इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जुड़े रहिए लोगों के साथ। अल्लाह।